सत्तम आदेश गुरु महाराज जी को आदेश। आज हम पिछले जो वीडियो है उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए कुछ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसका जो प्रमुख जो बिंदु रहेगा वह यह रहेगा कि जप तप और दान में ये जो समीकरण हम लोग बैठा देते हैं अपने धार्मिक या अपने जो क्रियाकलापों में, वह कहाँ तक और किस हद तक सही है। पहले तो मैं बात करूंगा कि समीकरण एक ऐसी व्यवस्था जो गणित में है, जो मैथमेटिक्स में रहती है, कि जो बाई ओर की जो इक्वेशन है वह बाई दाई ओर की इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का कोई इक्वेशन जैसे कि 10 जमा 3, तो राइट हैंड की इक्वेशन बराबर है 13 के होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये जो जप तप है इसमें भी कभी कभी हम संख्या बल पर अधिक अधिक जो है स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर दबाव देने की कोशिश करते हैं। और ये संख्या बल कभी कभी जो ये जो मैथमेटिकल मॉडल है वह एक बिजनेस मॉडल का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि 1,000 1 लाख संख्या में जप करने के बाद आपको सिद्धि प्राप्त कर देती हो जाएगी, ऐसा बहुत से हमारे जो गणितज्ञ और जो विद्वान साधक हैं उनका ये मानना है। किंतु मेरे व्यक्तिगत राय में ऐसा संभव तभी है जब आप आत्मिक बल उसमें डाल देते हो। तो इस प्रकार से संख्या बल का अगर आत्मिक बल से महत्व देखा जाए तो आत्मिक बल ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। संख्या बल इस प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या में आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वह फलीभूत हुई हो। अगर जब तक कि आपके पास उसमें अपने जो आत्मा है, अपने जो मनोबल है और जो अपने मनोयोग से आप उसमें जो है अपना शक्ति नहीं डाल रहे हो। तो दूसरी ओर अगर हम देखा जाए तो अगर हमारे जो पुरोहित हैं, जो हमारे पंडित हैं, वह दूसरों के बिहाफ पे जो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, वह कहते हैं कि इतनी संख्या में हमें जाप करना है तो इसका जो रेट है वह इतना है, एक्स वाई जेड कितने रुपए हैं। 1 लाख की संख्या के लिए लोग 30, 25, 40 हजार रुपये भी आज के दौर में चार्ज करते हैं। तो मेरा कहना एक सीधा सा एक प्रश्न यही है कि क्या यह संभव है कि एक निश्चित संख्या में आप जाप करें और आपको देवी देवता उसके बराबर में फल दे या आपके जो अभीष्ट सिद्ध हो जाएं। तो ऐसा तो कतई संभव नहीं है। और दूसरी बात ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप किसी और के लिए जाप करें बजाय इसके कि आप अपने मनोयोग से खुद ही अपने आत्मा के अंदर अन्वेषण करके अपनी क्रियाओं को फलीभूत करने का प्रयास करें, ताकि जो आपकी जो आंतरिक व्यवस्था है, जो योग और अध्यात्म में आज जो आपकी उन्नति होने वाली है, वह आप उसको खुद ही सुचारू रूप से देख सकें। अब ये जप तप और उसके हटकर एक और बात आती है कि दान करते हैं। दान करने के लिए अभीष्ट हमारे पास कितने संख्या में, कितनी संख्या में हमारे पास अलग अलग चीजों का दान कर लिया जाता है। और हमारे विद्वान पुरोहित ये दावा करते हैं कि ये दान करने से आपका जो है आपके जो फल है अभीष्ट है वो पूरे हो जाएंगे। तो दान करने का भी यह तात्पर्य नहीं है कि भी ऐसा दान करने से आपके देवी देवता प्रसन्न ही हो जाएंगे। तो अगर छोटे छोटे दान करने से या बहुत बड़े जो यज्ञ या अपने भंडारा लगाने से अगर आपके देवी देवता खुश हो जाते, तो मैं तो ये समझता हूं कि एक तरह की ये रिश्वतखोरी है देवी देवताओं के प्रति, बजाय इसके कि अपने आप ही आपको अपने कर्मों को जगाना चाहिए, अपने योग बल को जगाना चाहिए और साथ ही आपको ये बहुत तरीके से सोचने का और विचार करने का भी कोशिश करनी चाहिए कि क्या दूसरे लोग जो आपके बिहाफ पे जप तप या दान कर रहे हैं, क्या वे सच में ही इन चीजों के प्रति
प्रति ईमानदार है या नहीं। तो संक्षेप में यह मतलब बनता है कि किसी भी पदार्थ, वस्तु या संख्या में अगर कोई जप तप करते हैं, उसका सही समीकरण आउटपुट यानी कि आपको फल क्या मिल रहा है उसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो बजाय इसके कि हम इन सब रिचुअलिस्टिक चीज़ों में फंसे, आपको एक आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए सबसे जरूरी है कि ये एक कोई पथ, अपना मार्ग तैयार कर लें, उस पथ पर चलें और खुद अपनी आत्मा में, अपने योग में, बल में धीरे धीरे वृद्धि करते रहें। तो धीरे धीरे जैसे आप योग और आध्यात्मिक पथ पर चलते रहेंगे, आप खुद ही अपने जो मन है, आपके जो मस्तिष्क है और आपकी जो आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। तो बाहरी वस्तुओं के बजाय आप योग और अध्यात्म में आंतरिक व्यवस्था की सुदृढ़ता की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, यही मेरे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य है। तो जो समीकरण हम इस प्रकार से बांट लेते हैं कि भी संख्या बल पदार्थ के जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बल पे हम आपको जो फल प्रदान करने का दावा करते हैं, वह बिल्कुल ही सरासर गलत और झूठी बात है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।